एक बार ये क्लिप देखो दोस्तों। ये है आज तक का सबसे बेस्ट सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। आप इसे घर, ऑफिस, ज्वेलरी शॉप्स, शोरूम्स, लॉकर जैसे इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल, एक्सपेंसिव प्लेसेस में इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे आपको इसके साथ दो सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि आप इस पर 50 सेंसर्स ऐड कर सकते हो। इसके साथ मिलने वाले सेंसर्स है एक डोर एंड विंडो मैग्नेटिक सेंसर और एक PIR मोशन सेंसर। ये एक रिचार्जेबल प्रोडक्ट है, साथ ही ये पावर अडाप्टर से भी चलता है जो कि इसके साथ ही मिलता है। इसका मेन मॉड्यूल वाईफाई और GSM सिम सपोर्टेबल है। दैट मीन्स कि आप अगर घर में हो, घर से बाहर हो, शहर से बाहर हो, देश से बाहर हो या दुनिया, ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम आपको हर एक छोटी डिटेल या तो टेक्स्ट के जरिए या फिर नोटिफिकेशन के जरिए या कॉल के जरिए देता रहेगा। ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम आपको करीब 4000 रुपए तक मिलता है। एग्जैक्ट प्राइस और प्रोडक्ट डिटेल जानने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन विजिट करो फ्रेंड्स। चलो अब सेंसर्स में डालते हैं बैटरीज और डायरेक्ट मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे स्मार्टफोन से पेयर करते हैं। वैसे सिम कार्ड डाल के भी आप इसमें आपका फोन नंबर ऐड कर सकते हो और साथ ही आपके कुछ दोस्तों का एंड रिलेटिव्स का फोन नंबर ऐड कर सकते हो, कस्टम मैसेज बना सकते हो, वो भी हर एक सेंसर के लिए। हमें इसके साथ दो RF रिमोट मिलते हैं इनकेस आपको इसे शॉर्ट डिस्टेंस से आर्म या डिसआर्म करना हो तो। SOS बटन एक्चुअली में अलार्म बजाना स्टार्ट करता है इन केस आपके बच्चे घर में हो और आप बाहर, तो बच्चे असुरक्षित हो और ये बटन प्रेस कर दे तो आपके फोन में कॉल मैसेज नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और आप तुरंत एक्शन ले पाओगे। इस मॉड्यूल के साइड है एक पावर ऑन ऑफ बटन, चार्जिंग एंड पावर अडाप्टर पोर्ट, अलार्म आउटपुट जैक अगर अलार्म आपको किसी बड़े स्पीकर पर लगाना हो तो, सिम कार्ड स्लॉट, कोड बटन जो एक मल्टीफंक्शनल बटन है जिसकी हेल्प से आप सेंसर्स ऐड कर सकते हो, इसे फोन के साथ पेयर कर सकते हो, नंबर्स ऐड कर सकते हो एटसेट्रा। और यहाँ है एक माइक, तो घर में या शॉप में क्या चल रहा है आप उसे सुन पाओगे और साथ ही आपके फोन से इसमें इंस्ट्रक्शंस भेज पाओगे। इसे सबसे पहले हमें करना है पावर ऑन। स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना है स्मार्ट लाइफ ऐप और उसमें लॉगिन करना है। स्मार्ट लाइफ ऐप कैसे सेटअप करते हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब इसमें ऐड डिवाइस पर क्लिक करना है, अब सेंसर्स पर क्लिक करना है, नेक्स्ट इज अलार्म वाईफाई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपके वाईफाई का नाम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। अब मेन डिवाइस के कोड बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करना है जब तक आपको ये सुनाई ना दे। जैसे ही स्टेटस लाइट फास्ट ब्लिंक करने लगेगी, स्मार्टफोन में ब्लिंक क्विकली के ऑप्शन को सिलेक्ट करो और वेट करो। Hi there. I found your new security system. मेरे अलेक्सा ने ऑटोमेटिकली न्यू डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लिया है। आपका अलार्म सिस्टम आपके फोन के साथ पेयर हो जाएगा, इजी राइट? आप यहां से आपके अलार्म को रीनेम भी कर सकते हो। अब आप जो भी कुछ करोगे A to Z नोटिफिकेशन आपके फोन में आते रहेंगे और आपके स्मार्टफोन से भी आप आर्म और डिसआर्म कर सकते हो इस सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम को। इसमें सेंसर्स को जोन से डिनोट किया है। यहाँ मैग्नेटिक सेंसर को जोन 1 से डिनोट किया है और मोशन सेंसर को जोन 2 से डिनोट किया है। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक सेंसर को छेड़ते हैं, यहाँ जोन 1 का अलार्म बजने लगता है और तुरंत आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी मिलता है कि कितने बजे कौन सा सेंसर ट्रिगर हुआ है। सिमिलरली फॉर PIR मोशन सेंसर। अब आप जोन 1, जोन 2 ऐसे ही जोन्स को अलग अलग नाम से रिनेम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ जोन 1 को रिनेम किया है विंडो से और जोन 2 को रिनेम किया है मोशन से। तो अब जब भी वो सेंसर ट्रिगर होगा तो उसी नाम के साथ नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर डिस्प्ले होगा। No, 2, alarm.
हेलो फ्रेंड्स, ये एक कमाल का अलार्म सिस्टम। अगर आपको इसके बारे में परचेस इन्फॉर्मेशन चाहिए सिंगल या बल्क क्वांटिटी की, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करना। और ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे यानी ऑटोमेशन डूड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ।